बिना भाव के भगवान कीमती चीजों को भी ग्रहण नहीं करते। यदि भाव से एक फूल ही चढ़ा दें तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में ईश्वर प्रेम का भाव पैदा हो जाए तो उसे ईश्वर की लगन लगी रहती है। यह बात विगत दिवस मंगलवार को ग्राम सागर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ से कथावाचक पंडित श्री जगमोहन मिश्र ने कही। आज छठवें दिन कथा में आगे महर्षि ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह भी दिखाया था कि श्री राधा और वह दो नहीं बल्कि एक है, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इसी कहानी से प्रेम की नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।